देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। रामनगर विकास खंड के गोपालापुर बाजार स्थित प्रकाश सेवा सदन पर रविवार को निशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मरीजों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आँख की समस्या विकट समस्या के रूप में सामने आ जाता है तब जब लोगों की नेत्र ज्योति जाने लगती है। ऐसे में मोतियाबिंद हो या आँख की कोई अन्य समस्याएं हो उसके निदान के लिए अगर कोई निशुल्क शिविर लगाता है तो वह देव स्वरूप है। ऐसे में डॉक्टर आलोक सिंह एवं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह यह शिविर लगाकर लोगों को नेत्र ज्योति देने का काम किए हैं। इसमें हमारा जो भी सहयोग होगा वह हमारे लगाए गए टीम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी कोवैक्सीन का टीका नहीं लगा पाए हैं इस शिविर में डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क टीका भी लगवाया जा रहा है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह एवं भाजपा नेता डॉक्टर आलोक सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। निःशुल्क शिविर में 600 मरीजों का रजिस्ट्रेशन कर ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया एवं 800 मरीजों की जांच कर दवा वितरित की गई। इस शिविर में ऑपरेशन करवाने वाले हर मरीजों को निःशुल्क चश्मा दवा एवं नाश्ता दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर आशीष सिंह, घनश्याम दुबे, सालिग्राम पटेल, भोला चौहान, उमाकांत बर्णवाल, डॉक्टर रजनीश सिंह, हरिश्चंद्र प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और नेत्र पखवाड़ा एवं जन जागरूकता के माध्यम से लगातार कटरैक्ट ऑपरेशन, पहले अब मोतियाबिंद का सामान्य ऑपरेशन हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेंस लगा के दूरबीन की विधि से लेंस लगाया जाता है जिससे मरीज का और अच्छे से रोशनी आए और बढ़िया ऑपरेशन करके तत्काल छोड़ दिया जाता है। इस क्रम में प्रकाश सेवा सदन गोपालापुर में, जैसा क्षेत्र की जनता विदित है, जानती है कि लगातार 40 वर्षों से आप लोगों के बीच में एक सफल इस कैंप का आयोजन, आप लोगों के सहयोग और कुशल चिकित्सकों के मार्गदर्शन में हमारे जिला प्रशासन एवं जिला स्वास्थ्य विभाग के विशेष सहयोग से प्रतिवर्ष होता रहा है। उसी क्रम में इस वर्ष भी, दो वर्ष पिछला हम लोगों का वैश्विक महामारी कोरोना में बीत गया, बहुत सारे मरीज पिछले दो साल से लगातार आते रहे, पूछते रहे। इस बार चूंकि हमें अभी भी अंदेशा कोरोना का है, लेकिन ये समय था, अभी ये चीज़ें हो सकती थी, तो हमने अनुरोध किया था मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैडम से। मैंने बहुत सहजता से, बहुत सरलता से स्वीकार किया कि मैं इस कैंप में स्वयं भी आऊंगी और लोगों, मरीजों का जो भी कार्य है वो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमारे कुशल चिकित्सक इस कैंप को निष्पादित करेंगे। मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ पिताजी से कि दो सब आज आपके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए दो